हेलो कॉइन लवर, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। भाई मैं हूँ सोनू, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू लव। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आज की वीडियो रहने वाली है दोस्तों, थंबनेल से भी आपको पता लग गया होगा, रेन ड्रॉप कॉइन। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से इस कॉइन की वैल्यू जैसे ड्रॉप की धड़ल्ले से गिरी, वैसे ही जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, ऐसे ही भाई इसकी रेन ड्रॉप की बिल्कुल ऐसे कीमत गिरी धड़ल्ले से 2024 में कि काफी लोगों का, काफी दोस्तों का इसमें नुकसान हुआ भाई, भारी भरकम। तो दोस्तों पीछे भी मैंने ये वीडियो बनाई थी एक 20 रुपए वाले रेन ड्रॉप कॉइन पे, जो कि मतलब एक सिर्फ 20 रुपए वाले पे थी, लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए वाले रेन ड्रॉप कॉइन पे, क्योंकि काफी दोस्तों के, काफी व्यूवर्स के, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके कॉमेंट आए थे, भाई आप रेन ड्रॉप कॉइन की डिटेल वीडियो बना के भेजिए, क्योंकि आज भी उनको ये नहीं पता कि भाई जिनको पास है, उन्होंने अगर वीडियो नहीं देखी पिछली, उन्होंने ही कमेंट किए थे कि भाई इन रेन ड्रॉप कॉइन के प्राइस सच में क्या है सोनू भाई। भाई अभी भी वो ना इस ज्ञान से वर्जित है कि रेन ड्रॉप जो कॉइन है इनके दाम गिर चुके हैं, ये सच्चाई है भाई। और कौन से वाले के गिरे हैं और कौन से वाले के बरकरार है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना भाई, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। और जो दोस्त, जो भाई, जो मेरे YouTube फैमिली नया है इस चैनल पे, वो भाई जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमें मिलता है मोटिवेशन और इससे काफी अच्छी खासी हमें सपोर्ट मिलती है, जिससे हम आपके लिए बेहतर बेहतर नॉलेजफुल वीडियो ऐसे ही लाते रहें। तो अभी दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों ये देखिए भाई, हम शुरू कर रहे हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो कि ड्रॉप कॉइन है दोस्तों। ये ड्रॉप जैसे ये देख पा रहे हैं रेन ड्रॉप कॉइन, ये जो ड्रॉप बिंदु है, ये तीनों के अंदर 8 बिंदु है भाई, 8 मतलब बूंदे हैं ये जो रेन ड्रॉप की है। और 5 रुपए के और 10 रुपए के और 20 रुपए के सिक्के हैं दोस्तों। ये जो 5 रुपए वाला और 10 रुपए वाला है दोस्तों, ये बने थे सन 2019 से लेके, ये दोनों सॉरी ये दोनों 2019 से लेके 2022 तक ये बने थे दोस्तों। और जो दो 2020 वाला जो कॉइन है वो बना था 2020 से लेके 2022, यानी ये दोनों 19 में भी बने थे, और ये 19 में नहीं है, 20 21 22 तक बना था। ये तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर है दोस्तों। अब इनको मैं दूसरी साइड से पहले 5 रुपए वाला उठा लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, इसके पीछे ये अशोक स्तंभ है हमारा, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये इंडिया, ये भारत, और तीनों के पीछे ऐसे ही लिखा हुआ है दोस्तों, सेम टू सेम डिट्टो यही है। ये देखिए तीनों में ऐसा ही लिखा हुआ है इनकी पीछे की जो तस्वीर है। और अब बात करते हैं इस 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू की भाई। इसके कॉइन की वैल्यू भाई बिल्कुल जो 2019 वाला है, 2020 वाला है, 2021 वाला है, तीनों भाई ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं। और इस पे ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये यहाँ पे लिखी हुई है इसकी डेट, ये 2019 वाला हमारे पास कॉइन है। और दोस्तों जो 2019 20 21 वाला जो कॉइन है, ये बना था दोस्तों 4 मिनटों में, जो हमारी भारत की चारों मिनटें हैं उन 4 मिनटों में बना था ये। और तीनों साल का, 4 मिनटों का कॉइन बिल्कुल कॉमन कॉइन है भाई, कोई वैल्यू नहीं है। जब 2022 की बात आए इसी सिक्के की, 2022 वाला पिछली साल महंगा था 23 में, लेकिन इसके जैसे ही रेट गिरे वो भाई बिल्कुल गिर गया। तो ये 10 रुपये से लेके 40 रुपये तक इसका 2022 वाले का कीमत है, जो कि सिंगल मिंट का है भाई, सिंगल मिंट का कॉइन है दोस्तों। ये कलकत्ता मिंट में बना था, 2022 वाला बता रहा हूँ, 19 20 21 वाला नहीं। तो ये सिंगल मिंट कॉइन 2022 वाला है दोस्तों, 5 रुपए वाला, उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू है, जो 10 रुपए से 40 रुपए एक स्केयर कॉइन कैटेगरी आती है। ऐसे ही हम बात करेंगे भाई जो 10 रुपए वाले कॉइन की है, 10 रुपए वाला कॉइन दोस्तों 2019 का जो है वो एक कॉमन कॉइन है। और हमारे पास कौन सा है भाई, ये देखिए, ये हमारे पास है 2020 2020। और ये दोस्तों जो 2020 सॉरी 2019 2020 2021 तीनों जो साल है, ये 4 मिनटों में बना था इंडिया की भाई। और इनमें से कौन सा रेयर है या कौन सा स्केयर है भाई, ये तीनों में कॉमन कॉइन है। एक इसमें थोड़ी सी जो 2020 वाले की है, नोएडा मिंट वाले की, जैसे ये 2020 वाला हमारे पास है, ऐसे ही 2020 वाला नोएडा मिंट वाले की थोड़ी बहुत वैल्यू है भाई, जो वैल्यू रखता है 70 से 100 रुपए के आसपास, वो भी यूएनसी कंडीशन में। बाकी अगर बात करें 2022 वाले की, तो वो भी सिंगल मिंट कॉइन है दोस्तों, 10 रुपए वाला, वो भी कलकत्ता मिंट में बना था सिंगल मिंट में, जैसे कि 5 वाला बना था। अब बात करते हैं दोस्तों 2020 रुपए के सिक्के की,
जो 2020, 21 और 22 में बना था। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है 2020 का, 2020 का कॉइन है। और ये जो 20 और 21 और 22 तीनों का जो दोस्तों चारों मिनटों में बना था भाई, 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में, चारों मिनटों में बना था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और ये दोस्तों 2000 जो 21 वाला कॉइन था ना भाई, रेन ड्रॉप वाला, 2023 के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी भाई, ये सच कह रहा हूं मैं। 2000 आप उठा के देख सकते हैं, काफी वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, और लोगों ने काफी इसके ऊपर भाई इन्वेस्ट किया हुआ था। इस सिक्के की जो 2021 की वैल्यू थी वो क्या थी 2023 में, आज क्या हो गई है वो अब आपको बताते हैं। और अभी ये देखिए इसका जो शेप है दोस्तों, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डिटेल में, 2021 वाले 20 रुपए के कॉइन की। तो दोस्तों ये देखा भाई, ये अभी मैंने 5 और 10 रुपए की वैल्यू बता दी, कोई वैल्यू नहीं है भाई, नॉर्मल कॉइन है, कॉमन कॉइन है, कोई एक आधा स्केयर में आता है, लेकिन भाई इस पे इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको किस कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये कॉइन नया था भाई, तीनों ही नए थे, और जो 2020 सॉरी 20 रुपए वाला कॉइन है, 2021 वाला, वो भाई इतना उसके रेट हो गए थे, लोगों ने ऐसे लगा कि दोबारा ये कॉइन मिलेगा ही नहीं, और भाई स्टॉक करना शुरू कर दिया। काफी लोगों ने इस 20 रुपए सिक्के के कॉइन की पैकेट के पैकेट भाई पैकेट के पैकेट इकट्ठा कर रखे थे, स्टॉक कर रखे थे, और जैसे ही अब 2024 आया ऐसे गिरे धड़ल्ले से दाम भाई, एक कॉमन ही कॉइन रह गया, 40 रुपए तक इसकी कीमत है, आज की वैल्यू 40 रुपए है, 2023 में 2000 रुपए में बिका था भाई, ढाई ढाई 3000 रुपए पैकेट थे, पैकेट की कीमत थी इसकी, लेकिन ये 40 रुपए का रह गया सिर्फ 2024 में। ये आज की रियलिटी कीमत है दोस्तों 20 रुपए की। मैं पहले भी कहता हूं आपको किन कॉइनों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कॉइन दोस्तों नए आते हैं ना, जो नए इशू होते हैं, उनसे थोड़ा बचिए, उनको स्टॉक में ना रखिए। हाँ, दो तीन कॉइन रख लीजिए, लेकिन इस तरह नहीं कि 2000 रुपए का कॉइन मिल रहा है तो 20 रुपए वाला 2000 रुपए का कॉइन लेके रख ले, कोई फायदा नहीं है भाई। ये कॉइन जैसे ये खुद रेन ड्रॉप के नाम से कॉइन है ना, ऐसे ही बादलों से ऐसे गिरा, ये धड़मधड़ी सी धरती पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, जैसे बारिश का पानी नालियों में चला जाता है वैसे हो गया। और जो जो दोस्त जो जो भाई ने इन्वेस्ट कर रखे हैं ना इन पे, मैंने पहले वीडियो बना रखी है भाई पूरी डिटेल में, तभी मैं कहता हूँ वीडियो आप है ना पूरी देखा कीजिए। इस वीडियो में भी मेरा एक ये मकसद है कि आप नए जो कॉइन है भाई, जो मैंने इस पे बना रखी है वीडियो कि कॉइनों के दाम क्यों घटते हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैं इस जो कॉइनों के दाम क्यों घटते हैं उसका ना लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लेना। जो नए कॉइन होते हैं ना, मोस्टली मोस्टली उन्हीं के दाम गिरते हैं भाई। हम यार कलेक्टर बनना चाहते हैं, या एक आप बिजनेस व्यू से देख रहे हैं, ये बिजनेस व्यू से अगर ऐसे कॉइन आप इकट्ठा करेंगे, डेफिनेटली आपको नुकसान पे नुकसान का सामना करना पड़ेगा भाई। सिक्कों का कलेक्शन करना मतलब हमारे इतिहास को मतलब बिल्कुल समान रखना, ताकि वो दब ना जाए, हमारा इतिहास बचाए रखना है भाई कॉइन कलेक्शन का मतलब। शौक होना चाहिए इसका, ना कि आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें कि बिजनेस से, हाँ ये नया सिक्का है यार, कौन सा इतिहास था इसमें 2020 वाले में। ऐसे ही काफी सिक्के नए आते हैं भाई मार्केट के अंदर है ना, जो बड़े बड़े धुंधर बैठे हैं ना, वो स्टॉक कर लेते हैं, बाद में उसी का वो ही डिसाइड कर लेते हैं, कई वीडियो ऐसी आ जाते हैं यूट्यूब पे, आप पागल हो जाते हैं कि भाई ये नया सिक्का है, कभी नहीं मिलेगा भाई साहब, 100 साल पुराना सिक्का आज भी धरती पे है, लेकिन 100 साल पुराना आदमी नहीं है धरती पे, ये सिक्के यहीं रहने हैं, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी भाई साहब, यहाँ धरती से चले जाओगे लेकिन सिक्के यहीं रहने हैं। तो ऐसे भागदौड़ करने का, ऐसे एकदम से हाउ ऊपर करने से कुछ फायदा नहीं है, तभी मैं कहता हूँ वीडियो पूरी देखा कीजिए। आप एक बार कीमत सुनने के लिए, सिर्फ वो वर्ड देखने के लिए वीडियो खोल तो लेते हैं, उसमें कीमत सुनते हैं और फैट बंद कर देते हैं, अरे भाई पूरी देखेंगे तभी तो सिक्कों की नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जिस वीडियो का लिंक दिया वो जरूर देख लेना भाई, कॉइनों के दाम क्यों घटते हैं, एक हिंट मैंने दे दिया, नए कॉइनों के ज्यादा घटते हैं भाई, पुराने कॉइनों के नहीं घटते, क्योंकि पुराने कॉइन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो खुद की वैल्यू खुद ही उन्होंने की हुई है यार। जब प्राचीन सिक्कों पे इन्वेस्ट कीजिए आप, नए पे नहीं, हाँ शौक के तौर पे रख लीजिए, बिल्कुल यूएनसी में आम चलन के सिक्के हैं ये।
ये आम चलन के सिक्के हैं, शौक के तौर पे 5-7 सिक्के रख लीजिए, 20 में है तो 20 में ही लेके आगे आने वाले 10-15 साल 20 साल बाद उनकी देखिए ना क्या वैल्यू रहेगी, नए नवेले सिक्के आपके पास। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने आप पैसे लिए 10 दिन बाद बेच दिया, प्रॉपर्टी डीलरिंग नहीं है भैया। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, ज़्यादा ही लंबी होगी वीडियो क्योंकि मेरे को यार थोड़ा सा ऐसे दुख होता है क्योंकि काफ़ी कमेंट आए, कईयों के पैसे फंसे पड़े हैं यार। तो मैं इसीलिए कहता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तो फ्री है, इन पे इतने इन्वेस्ट कर तो ये फ्री वाला काम भी तो कर लो ताकि आगे आप बच सको। वैसे ही लुटेरे बहुत पड़े हैं यार और यहाँ पे, और आप गलत गलत इन्वेस्ट करके वो कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।